चलिए आज हम लोग आपको जो है ग्रामर की कुछ बेसिक चीजें जो बताते हैं, ठीक है। देखिए ग्रामर में उस दिन हमने बताया था आपको कि लकार के बारे में, कारक विभक्ति के बारे में, ठीक है। आज हम बता रहे हैं लकार, लकार कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले आप जान लीजिए कि रूप जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो रूप हम बता रहे थे वो शब्द रूप और दूसरा जो है धातु रूप है, ठीक है। यानी शब्द रूप और धातु रूप। तो शब्द रूप में मुख्य रूप से जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द कौन कौन हो सकते हैं, आकारांत, इकारांत, उकारांत, है ना। ये सभी शब्द हैं जो मुख्य रूप से इनके जो है आठों विभक्तियों में रूप होते हैं। बाकी जो है दूसरा जो है धातु रूप जिसको कहते हैं, ये धातु रूप में पांच लकार होते हैं और वो पांचों लकार अलग अलग जो है प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला लकार है लट लकार, ठीक है, लट लकार। यहां है वर्तमान काल, ठीक है। जैसे अगर हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, पठति, पठताम, पठन्ति, पठति, पठताम, पठन, सॉरी, पठति, पठतः, पठन्ति, ठीक है। पठसी यानी मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत, ठीक है। फिर उत्तम पुरुष में पठामि, पठाव और पठामा, ठीक है। ये एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन में है, ठीक है। अब आप देखिए कैसे जो इसका हम प्रयोग करते हैं। पहली बात कि आप जो भी जो है सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, जो कर्ता अगर एक वचन का है या प्रथम पुरुष के एक वचन का है या द्विवचन का है या बहुवचन का है, तो क्रमशः उन्हीं जो है वचनों और उन्हीं पुरुष के ही क्रिया भी जो है प्रयोग होते हैं। अब इसको जैसे याद करने के लिए तरीके भी है कि बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, जैसे तीतः अंति सीतः अथ आम यावह आमा, इस पर कोई भी रूप आप चलाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो है याद बना भी सकते हैं। जैसे पा धातु है पीबत्ति पीबत पीबन पीबसी पीबत पीबत पीबामी पीबाव पीबाम, वैसे ही लिख धातु यानी लिखना, लिखत लिखत लिखंत लिखसी लिखत लिखत लिखामी लिखाव लिखाम, ठीक है। वैसे ही अगर हम दूसरा भी रूप ले चलें, गम धातु जिसको जिसका अर्थ होता है जाना, गच्छति गच्छत गच्छन गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छाम, ठीक है। दृश धातु, दृश मने पश्य होता है, पश्य मतलब देखना, यानी कि पश्यति पश्यत पश्यन्ति पश्यसि पश्यथ पश्यथ पश्यामि पश्याव पश्याम, यानी कोई भी जो है धातु रूप जब इस पर हम लेकर चलते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब धातु रूप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परस्मई पद और एक होता है आत्मनई पद। तो हम जो अभी जो पढ़ रहे हैं ये परस्मई पद का जो है धातु रूप है, आत्मनई पद का धातु रूप का प्रयोग जो है थोड़ा कम होता है, ठीक है। वैसे उसका जो है आप बुक में देख भी सकते हैं कि आपके किताब में दिया भी होगा कि परस्मई का रूप जो है दूसरे तरह से चलेंगे और आत्मनई के रूप जो है अलग तरीके से चलते हैं, दोनों में जो है भिन्नताएं होती हैं। लेकिन अभी तीतः अंति सीतः था आम यावा जो हम पढ़ रहे हैं ये जो है परस्मई पद के रूप है और
और इस पर कोई भी जो है धातु रूप लगाकर हम जो है इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कैसे जो है अनुवाद बनेंगे। जैसे हम कहें वह पढ़ता है, क्या हो जाएगा? सह पठती। वे दोनों संस्कृत पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? तौ संस्कृतम पठतः। वे सभी संस्कृत पढ़ते हैं, ते संस्कृतम पठन्ति। वैसे ही जो है यहाँ पर तुम संस्कृत पढ़ते हो, त्वम संस्कृतम पठसि। और यहाँ हो जाएगा तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, इवाम संस्कृतम पठथ। तुम सभी संस्कृत पढ़ते हो, यूयम संस्कृतम पठत। फिर यहाँ मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम संस्कृतम पठामि। हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं, आवाम संस्कृतम पठाव। हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं, वयम संस्कृतम पठामा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इनको याद भी कर सकते हैं, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया, यानी जिस जो कर्ता जिस पुरुष वचन में हो, क्रिया भी उसी वचन पुरुष में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ जो है बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। दूसरा जो रूप है जो लंग लकार भूतकाल का है, लंग लकार यानी भूतकाल, ठीक है। अब इसका देखिए प्रथम पुरुष में ये बीज है, अपठत अपठत अपठताम अपठन अपठत अपठतान अपठन अपठ अपठतम अपठत। उसके बाद है अपठम अप अपठम अपठावा अपठामा। ठीक है, यहाँ हलंत हो जाएगा, वहां हलंत, इसमें हलंत। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है लंग लकार भूतकाल का रूप है जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक बचन, द्विबचन, बहुवचन के रूप में है। ठीक है, अब इसका प्रयोग जो है हम करते हैं यहाँ पर भूतकाल में, यानी कि जहां पर जो कोई काम जो है हो चुका है। जैसे हम कहें कि वह संस्कृत पढ़ा, क्या हो जाएगा? सह संस्कृतम अपठत। वे दोनों संस्कृत पढ़े, तो क्या हो जाए? वे दोनों का सह तौ, यानी तौ संस्कृतम अपठताम। वे सभी संस्कृत पढ़े, ते संस्कृतम अपठन। ठीक है, वैसे ही है तुम संस्कृत पढ़े, यानी कि तुम संस्कृतम अपठ। तुम दोनों संस्कृत पढ़े, इवाम संस्कृतम अपठतम। और तुम सभी संस्कृत पढ़े, क्या हो जाएगा? यूयम संस्कृतम अपठतम। उसी तरीके से यहां पर मैं संस्कृत पढ़ा, अहम संस्कृतम अपठम। हम दोनों संस्कृत पढ़े, आवाम संस्कृतम अपठाव। हम सभी संस्कृत पढ़े, वयम संस्कृतम अपठाम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे जो है आप ऐसा जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये अहम, चूंकि इसके पहले आपको रूपों को याद करना पड़ेगा। कौन सा रूप? वो सर्वनाम जो भी है, चाहे अस्मद के रूप हो
या तो जुष्मद के रूप हो, या तो तत् के पुलिंग का रूप हो, या स्त्रीलिंग का रूप हो। तो तत् के पुलिंग का मैं बता दूं, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेसाम तस्मिन् तयो तेसु रूप चलता है। ठीक उसी प्रकार से अस्मद और जुस्मद का अहम वाम वयम माम वाम अस्मान मया अभ्यम अस्माद मह्यम अभ्यम अस्मभ्यम ऐसे करके जो पूरी विभक्ति में जुस्मद का भी तुम युवाम इवम त्वम ज्वयम जुस्मान त्वया ज्वभ्यम जुस्मा भी तुभ्यम ज्वभ्यम जुस्मभ्यम इस तरह उसके भी रूप चलते हैं। ठीक है, तो इन रूपों को सबसे पहले आपको जो है याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं है तो परेशानियां जो है हम जब अनुवाद करेंगे तो भी आएगा, या हम कभी संस्कृत पढ़ रहे होते हैं उसका अनुवाद हिंदी में कर रहे होते हैं तभी भी हमको जो है परेशानी आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है क्या करिए, रूप को तो याद कर लिए, कौन सा रूप, लकारों को याद करिए। ठीक है, लकार के आप रूपों को याद करके समझ लिए कैसे याद करना है। उसके बाद जो सर्वनाम है, यानी सर्वनाम कौन कौन से हैं, जैसे मैं तुम वह, ये सभी सर्वनाम के रूपों को याद करना है आपको। ठीक है, उसके बाद शब्द रूप में कोई भी एक शब्द रूप अकारांत का ही याद कर लीजिए, बालक का ही याद कर लीजिए, बालका बालकौ बालका बालका बालकौ बालका बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकै बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य बालकात बालकाभ्यम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानाम बालके बालकयो बालकेसु। ठीक है, एकदम आपको जो है तोते की तरह याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप मन में इच्छा बना लेते हैं कि नहीं हमको याद ही करना है, तभी ऐसा संभव है। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि नहीं ये तो संस्कृत है, इसको हमको याद करने से क्या फायदा, तब तो याद नहीं होगा। इसलिए आप जो है इसको याद करने का प्रयास करें, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए ये लट लकार है, लेकिन इसी के जगह पर स्थित है अंति सीथ था आमी आवह का प्रयोग लिट लकार में भी हम करते हैं, बसरते कि उसमें हम स्य का जो है प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए उसको लिख कर मैं दिखा देता हूं कैसे इसको मिटाते हैं, जो हमारा लिट लकार लट लकार का है। अब ये जो है लंग लकार का था, जो काम जो है हो चुका है भूतकाल में, इसके आपने प्रयोग जो है देखे। अब देखिए हम पढ़ेंगे लिट लकार और ये है भविष्यत काल। ठीक है, अब देखिए यहां पर कैसे चलता है, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति। पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। ठीक है, ये आपका रूप है लिट लकार भविष्यत काल में, यानी कि जो काम जो है हमें भविष्यत काल में होना है, जैसे जाएगा करेगा, है ना। जैसे हम कहें कि वह संस्कृत पढ़ेगा, है ना, स संस्कृतम पठिष्यति, वे दोनों संस्कृत पढ़ेंगे, तौ संस्कृतम पठिष्यत, वे सभी संस्कृत पढ़ेंगे, ते संस्कृतम पठिष्यन्ति, तुम संस्कृत पढ़ोगे, त्वम संस्कृतम पठिष्यस, तुम दोनों संस्कृत पढ़ोगे, इवाम संस्कृतम पठिष्यथ, तुम सभी संस्कृत पढ़ोगे, यूयम संस्कृतम पठिष्यथ।
और मैं संस्कृत पढ़ूंगा, अहम संस्कृतम पठिष्यामि, हम दोनों संस्कृत पढ़ेंगे, आवाम संस्कृतम पठिष्यावः, और हम सभी संस्कृत पढ़ेंगे, वयम संस्कृतम पठिष्यामः। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इनको बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, बसते आपको याद होना चाहिए। अगर यही चीज याद नहीं है तो आपको जो है कठिन भी लगेगा। अब हम चलते हैं जो अगला लकार है, जिसको हम लोट लकार कहते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक, अब देखिए यहां पर प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावा और पठामा। ठीक है, ये जो रूप है आप देख रहे हैं, ये जो पठ धातु के आज्ञार्थक का रूप है, लोट लकार का रूप है। लोट लकार का मतलब जहां पर आज्ञा दी जाती है, जैसे कि तुम संस्कृत पढ़ो, तुम घर जाओ, तुम बाजार जाओ, तुम विद्यालय जाओ, है ना। तो तमाम जो है जब आदेशात्मक जो है कार्य होते हैं, तो वहां पर हम लोट लकार का आज्ञार्थक का प्रयोग करते हैं। ये रूप जो है आपके सामने है, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावा, पठामा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम कहते हैं कि वह पढ़े, सः पठतु, या हम कहें कि वह संस्कृत पढ़े, सः संस्कृतम् पठतु, वे दोनों संस्कृत पढ़े, तौ संस्कृतम् पठताम। ठीक है, वे सभी संस्कृत पढ़े तो क्या हो जाएगा, ते संस्कृतम् पठन्तु, वे सभी संस्कृत पढ़े यानी बहुवचन में ते संस्कृतम् पठन्तु। ठीक है, अगर यहां करेंगे तुम संस्कृत पढ़ो, त्वं संस्कृतम् पठ, है ना, त्वं संस्कृतम् पठ, वैसे ही है, तुम दोनों संस्कृत पढ़ो, इवाम संस्कृतम् पठतम्, और तुम सभी संस्कृत पढ़ो, क्या हो जाएगा यहां पर, यूयम संस्कृतम् पठत, वैसे ही यहां है कि मैं संस्कृत पढ़ूं, अहम संस्कृतम् पठानि, हम दोनों संस्कृत पढ़ें, आवाम संस्कृतम् पठावा, हम सभी संस्कृत पढ़ें, वयम संस्कृतम् पठामा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कैसे जो है होता है, कैसे जो इसका प्रयोग होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विधिलिंग की बात करते हैं, जिसको चाहिए अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर इसी को मिटाते हैं। विधिलिंग, विधिलिंग लकार है चाहिए अर्थ में, हो जाएगा यहां पर पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे।
पठेतम पठेत पठेयम पठेव और यहां हो जाएगा पठेम। ठीक है, अब देखिए आपके सामने है विधिलिंग, लकार चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग है, यानी कि किस तरीके से हम चाहिए अर्थ में करते हैं। अब यहां पर विधिलिंग का प्रयोग हम जैसे कहें कि तुमको संस्कृत पढ़ना चाहिए या उसको संस्कृत पढ़ना चाहिए, जब आप यह बात करते हैं कि उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए, सह संस्कृतम पठेत हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो उसी का हम प्रयोग भी करेंगे। अगर मध्यम पुरुष का क्रिया है तो मध्यम पुरुष का कर्ता भी रहेगा, तो मध्यम पुरुष का कर्ता क्या होगा, सह, सह तौ ते। तो अगर हम कहते हैं कि वह उसे संस्कृत पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा, स संस्कृतम पठेत। ठीक है, उन दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, यहां पर क्या हो जाएगा, तौ संस्कृतम पठेताम, तौ संस्कृतम पठेताम, उन सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, क्या हो जाएगा, ते संस्कृतम पठेयु, ते संस्कृतम पठेयु। वैसे ही तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए तो यहां पर होगा कि त्वम संस्कृतम पठे, तुम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, इवाम संस्कृतम पठेतम, तुम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, यूयम संस्कृतम पठेता। वैसे ही है उत्तम पुरुष में, मुझे संस्कृत पढ़ना चाहिए, अहम संस्कृतम पठेयम, अहम संस्कृतम पठेयम। वैसे ही हम दोनों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, अहम के बाद आवाम संस्कृतम पठेव, हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वयम संस्कृतम पठेम। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि ये पांच लकार, अगर पांचों लकारों का हम कुछ जो अनुवाद देखते हैं इधर करके, किस तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे हम कहें कि वह घर जा रहा है, वे सब गृह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है तुम कल बाजार जाओ। ठीक है, अब देखिए इस सब जो अनुवाद है बनाने के जो नियम है, कैसे जो है हम इसको बना सकते हैं, और कहीं पर भी अगर आपको जैसे हिंदी में लिखा हुआ अनुवाद जो संस्कृत में बनाने के लिए आता है, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि यह जो दिया गया जो अनुवाद है वो किस लकार में है। आपको ये जब भी आप जो है कोई भी अनुवाद आपके सामने आता है और आप बनाने की जो है चेष्टा करते हैं, तो जरूर आपको सबसे पहले ये विचार करना होगा कि जो अनुवाद दिया गया है वो अनुवाद किस लकार में है। ठीक है, अगर ये आप उसमें पता कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि वह घर जा रहा है, ठीक है, वह
घर जा रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको देखना होगा कि ये जा रहा है, कर रहा है, इसका मतलब ये लट लकार वर्तमान काल में है। तो लट लकार जब वर्तमान काल में है तो जाहिर सी बात है कि इसके लकार आपको याद हैं, यानी तीतह अंति सीतह थ आम याव आम। तो अगर जा रहा है तो हम गच्छत गम का रूप चलाएंगे, तो गच्छति गच्छतः गच्छन् गच्छसि गच्छतः गच्छतः गच्छामि गच्छाव गच्छाम इसका रूप चलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इसे जो है बना सकते हैं और तब जो है आप बहुत ही आसानी से इसको जो है जान सकते हैं कि ये किस लकार में है और कैसे इसका बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये हम सबसे पहले देखें कि वह जो लिखा है वह घर जा रहा है, यानी कहने से तात्पर्य हो रहा है कि ये वह जो है क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, जा रहा है। अगर यहाँ जा रही है अगर लिखते तो वहां पर वह जो है क्या हो जाता, स्त्रीलिंग हो जाता, तो यहाँ पर उसका जो है अनुवाद संस्कृत में सा हो जाता, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग है तो इसलिए स हो जाएगा, यानी सह घर को जा रहा है, यानी गृहम सह गृहम, और सह के अनुसार ही, मतलब ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की एक वचन होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स गृहम गच्छति, स गृहम गच्छति, गच्छति गच्छता गच्छन गच्छसि गच्छता, क्योंकि संस्कृत में जा रहा है का या जाता है दोनों एक है, अंग्रेजी में थोड़ा भिन्न प्रकार का होता है कि जा रहा होता है, जा रहा है हम कंटिन्यूअस में कर लेते हैं, जाता है हम इनडिफिनिट में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ संस्कृत में ऐसा नहीं है। चाहे आप जा रहा है लिखिए और चाहे जाता है लिखिए, बात जो है एक ही है, यानी एक ही लकार में प्रयोग होगा और वो होगा लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे इसका कि सह गृहम गच्छति, वह घर जा रहा है, ठीक है। दूसरा है कि वे सब गृह कार्य कर रहे हैं, ये भी आप देखें कि जब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये भी जो है लट लकार में ही जो है, लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन है। जब कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी जो है बहुवचन में होगी, तो यहां पर भी उसी तरीके से बनेगा क्या, ते, यानी वे सब का हो गया ते, गृह कार्य मतलब गृह कार्यम, गृह कार्यम, और यहां पर करोति कुरता कुर्वन्ति रूप चलता है इसका, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ते गृह कार्यम कुर्वन्ति, यानी वे सभी गृह कार्य जो है कर रहे हैं या करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि तुम कल बाजार जाओ, है ना, अगर ऐसा हम कहते हैं कि तुम कल बाजार जाओ, तो यहां पर देखिए अब लकार जो है बदल गया। हम यही बात पहले भी आपको बता रहे थे कि जब कभी भी आपको अनुवाद मिलता हो तो आप पहले उसको देखिए, समझिए कि ये किस लकार में है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जाओ शब्द आ गया, यानी कि लगता है कि ये अज्ञार्थक है, आज्ञा दी जा रही है यहाँ पर कि तुम कल बाजार जाओ, कोई आपको आज्ञा दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आज्ञार्थक में हो गया। जब आज्ञार्थक में हो गया तो इसका रूप कैसे चलेगा, आपको तुरंत दिमाग में ये बन जाना चाहिए कि इसका रूप गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छगस्तम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम रूप चलेगा, ठीक है। तो आप ये समझ जाएं कि जब ये कह रहा है कि तुम कल बाजार जाओ, दो कल होते हैं, एक होता है जो बीता हुआ कल है उसको हम कहते हैं क्या, हिय, और आने वाले कल को हम कहते हैं स्व, ठीक है। तो ये जो है आने वाले कल की बात कर रहा है, क्योंकि जब ये बात हो रही है कि तुम कल बाजार जाओ तो इसका मतलब कि ये समय जो है आने वाला है ना, तो इसलिए यहां पर जो हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि कल यानी आने वाला कल, यानी स्व का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब स्व का प्रयोग करेंगे तो ठीक उसी के अनुसार हम जो है यहां पर प्रयोग करके और लिख सकते हैं, जैसे तुम
तुम यानी कि मध्यम पुरुष का एक वचन है, और मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या आता है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ, है ना, गच्छ आता है किसमें, मध्यम पुरुष के एक वचन में। कर्ता भी हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है, जब कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी हमारी एक वचन में होगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर, त्वम स्व आपणम, आपणम का मतलब होता है बाजार, यानी कि त्वम स्व आपणम गच्छ, यानी तुम कल बाजार जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इनके अनुवाद जो है हम बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों से हम जवाब ले लेते हैं थोड़ा, कि क्या आपको जो समझ में आया और क्या नहीं, ठीक है। अब बताएं क्या कुछ समझ में आया अभी तक, जहां नहीं समझ में आओ आप पुनः पूछिए। अश्वनी शर्मा, आशीष यादव, जय आदित्य, क्लियर है? यस सर। चलिए, यस सर। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको जो है पूरा जितने भी लकार हमने बताया, यानी पांच लकार की बात किए, और पांच लकारों में जो भी रूप इनके थे, इन रूपों को आपको याद करना है, जबकि धातु रूप दो प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी बताया था, एक धातु रूप होता है परस्मयी पद होता है, और एक जो है आत्मनयी पद होता है, जो अभी हमने बताया ये परस्मयी पद है, और आत्मनयी पद का जो है प्रयोग थोड़ा इसकी अपेक्षा कम होता है, इसीलिए उसका कम जो है प्रयोग आता है, लेकिन हम परस्मयी पद का जो है ज्यादा प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में लिखने में भी, ठीक है। तो इसलिए हम जो है परस्मयी पद को ही जो है पढ़ रहे हैं आपके कोर्स में, वही है, वैसे आप याद कर सकते हैं उसको भी, आत्मनयी पद को भी याद कर सकते हैं, दोनों का अर्थ सेम होता है। एक का जो है हम प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब कोई भी जो है हम वाक्य जो है बनाते हैं, तो वहां पर हम सर प्रयोग करते सर हाँ जी बोलिए सर, ये आज्ञार्थक लोट लकार है। हाँ जी, आज्ञार्थक लोट लकार में आता है, और विधिलिंग यानी चाहिए अर्थ में आता है, ठीक है। सर जो आप अभी समझाए हैं, कल तुम बाजार जाओ, सर वो लोट लकार में रहेगा। हाँ जी, ये अज्ञार्थक है, कोई आपको आज्ञा दे रहा है कि जाओ, बैठो, काम करो, पानी लाओ, ये तमाम जो है चीजें, ऐसे अगर कोई कहता है तो इसका मतलब कोई आदेश दे रहा होता है। जब आदेश देने का जो वाक्य ऐसे आते हो तो वह सभी जो है आज्ञार्थक होते हैं, और आज्ञार्थक जो है लोट लकार में ही होते हैं, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के आप लोट लकार में ही याद करेंगे, वैसे तो बहुत सारे जितने भी धातु रूप है उस पर जो है चल सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं अगर किसी दूसरे की, गम धातु की बात करते हैं, तो गम का भी रूप अगर हम चलाएंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छामा, ठीक है, वो भी रूप जो है चलेगा उस पर। अगर दूसरा कोई भी रूप हम चलाते हैं तो वो भी जो है चलेगा, मतलब जो भी रूप आप चलाना चाहें उस पर इन्हीं जो है पठ के अनुसार ही जो है सभी लकारों में रूप जो है चलेंगे। थोड़ा एक जगह आपको समस्या आती है, वो है कि लिट लकार में ही कहीं कहीं जो बदलाव जाते होता है, जैसे दृश्य धातु की अगर हम बात करें तो लिट लकार में जब जाएंगे तो द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति रूप चलने लगता है, यानी वहां बड़ा बदलाव हो जाता है, क्योंकि मूल धातु के साथ जो है चलता है, इसीलिए उसमें बदलाव जो है वहां दिखाई देता है, ठीक है ना। तो बाकी जो है आप जितना जल्दी जिसको याद कर लेते हैं उसी के अनुसार जो है
आप कोई भी जो है अनुवाद जो है बहुत ही आसानी से जो है समझ सकते हैं, कर भी सकते हैं, और कहीं किसी पद्य या गद्य के को आप हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं, जबकि आपको उसका वर्ड मीनिंग मतलब शब्दार्थ याद हो और उसी के साथ आपको बनाने के नियम भी मालूम हो, तब आसानी से आप जो है उसका हिंदी रूपांतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानना जो है बहुत ही अहम चीज है। जब हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो इसमें लकार को याद करना और उसी के साथ उनके नियम को भी जानना और शब्द रूप को भी याद करना, ये बहुत ही एक हम बेसिक चीज है जिसको हमको हर एक बच्चे को जो है जानना चाहिए संस्कृत पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बताइए, इससे पहले अगर कोई सर, चीज नहीं समझ में आया हो किसी को भी तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। ठीक है, क्लियर है तब ना? चलिए ठीक है, बाकी तब से सब दूसरे दिन बात करेंगे। हैं, हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं बोलिए। सर अभी कहाँ तक पढ़ाया गया क्या चीज? संस्कृत सर? व्याकरण? व्याकरण? व्याकरण में कुछ यस लेसन सर, हुए हैं, लेकिन मैं जो चीजें बता रहा हूँ बेसिक चीज है, और ये तो बहुत ही यस जानना सर, जरूरी है। आप तो किताब भर देंगे ऐसे तो भरने से तो बहुत जानकारी मिलेगी नहीं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उसको तो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सर, एकदम अपने बल पर जो है किसी भी जो है अनुवाद को रूपांतरण कर लेंगे हिंदी से संस्कृत में। ठीक है, तो मैं सर से पूछ यस लूंगा कि कितना लेसन पढ़ाया गया है, या कोई बच्चा ही अगर बता देगा उसके आगे फिर जो है आपका संस्कृत व्याकरण भी चलने लगेगा, जो भी बुक का है। शायद हमको लगता है कि समाप्ति के ओर है, कुछ ही लेसन बचे होंगे, ये एक दो लेसन बचे होंगे। ठीक है, व्याकरण में, हाँ जी, सर व्याकरण में हाँ, कितना लेसन है? सर बता रहे हैं सर, 15।